मुबारक ख्याल है, लेकिन आज हमारी बिटिया रानी इतनी खुश क्यों है? ओ डैडी, नहीं नहीं पिताजी, पिताजी मुझे फ्री क्लब में नौकरी मिल गई है, 1000 रुपए तनख्वाह। हम मुबारक ख्याल है, लेकिन बेटी इस क्लब के कर्ता धर्ता कौन है? शायद आप जानते हो, रईस आजम गिरधारी लाल बनवारी लाल पटवारी लाल एंड नो सन। जानता हूँ और अच्छी तरह से जानता हूँ, नहायत दिलचस्प जिंदा दिल और कला के दीवाने आदमी है। तो फिर आपको कोई ऐतराज नहीं ना? मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, सुजीत विलायत से लौटते ही किसी अच्छे काम धंधे से लग जाएगा, और तुम तो कलाकार हो ही। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे, अब मुझे कोई चिंता नहीं। जरूरत है कलाकार की, कला तो अपने पास है ही, कार मांग लेंगे। अच्छा आगे क्या लिखा है? रहना खाना पीना वगैरह वगैरह मुफ्त। अपने को तो रहना खाना पीना चलेगा, ये वगैरह वगैरह क्या जरूरत है? ठीक है चल बेटा चकोर, चढ़ जा सूली। ओह मेरा मतलब सब उल्टा हो गया। बेटा चकोर आजमा ले किस्मत, राम भली करेगा। वन मिनट, गुड मॉर्निंग सर। हिंदी में कहिए नमस्ते जी। ओहो सब उल्टा हो गया, हिंदी में वन मिनट टू नमस्ते। नमस्ते जी, तशरीफ रखिए। ओ ये बात है, अगर आप नहीं बैठ सकते तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। आपका नाम? नाम सर, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम जगमोहन लाल रखा था, मगर जब मैं स्कूल गया तो लाल गायब जगमोहन रह गया, और जब कॉलेज गया तो मोहन गायब जग रह गया। और सर 6 साल फिर एक क्लास में फेल होते 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 जब निकाला गया तो यार लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जग्गू जग्गा जगम जगिंग जो मर्जी कहना शुरू कर दिया, यानी कि एक नाम के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गया कोई वहां गया, 1000 पीसे। सर हिंदी में कहिए। वेरी बैड हैबिट सर, नॉट गोइंग, यानी कि छूटती नहीं जालम, आदत पड़ी, आदत पड़ी है सर। अच्छा बैठिए। सेम ट्रबल, समझा। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या क्या काम कर सकते हो? मैं हर वो काम कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते। व्हाट? हिंदी में। ओ रो सकते हो? और सारी उम्र की है क्या है सर? व्हाट एल्स यू टेल मी। हिंदी में? हिंदी में। हंस सकते हो? कभी मौका ही नहीं मिला सर, नो अपॉर्चुनिटी, सॉरी सर। वापस जा सकते हो? आना आपकी मर्जी से सर, जाना मेरी मर्जी से, नॉट गोइंग सर। खाना खा सकते हो? पेक सर, बहुत भूख लगा। ओहो फिर अंग्रेजी। सुनो ये सर, तुम्हें एक शर्त पर नौकरी मिल सकती है। टेल मी सर। तुम इस अंग्रेजी का पीछा छोड़ दो तो नौकरी मिल जाएगी। हाँ तो मैं अंग्रेजी की कसम खा कहता हूँ कि मैं तो क्या मेरा सारा शहर अंग्रेजी बोलना छोड़ देगा। शाबाश शाबाश, फ्री क्लब तुम्हें अपना जौहर दिखाने का मौका देगी। धन्यवाद। चंपालाल साहब को आशा जी के पास ले जाओ। आइए साहब। क्षमा क्षमा क्षमा, ये चकोर बाबू है, किशोर बाबू ने भेजा है। शेख शेख हिंदी में बोली। ओह फिर उल्टा हो गया, यह सब अंग्रेजी के दुश्मन है। अगर कोई बात ही आपके साथ रहकर ये खरबूजा रंग बदल लेगा। इनका क्या करना है? हमारे साथ काम करेंगे। काम करेंगे? आप काम करेंगे? या क्या काम करेंगे? वो तो मैं किशोर बाबू को बता आया हूँ, आपके तो सिर्फ दर्शन करने आया हूँ। दर्शन? जी। क्या मैं देवी हूँ? उन्होंने काम दिया वो देवता हुए, आपने दर्शन दिया आप देवी हुई। बैठे ना। वाह 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 वाह, मेरा ख्याल है आप दोनों में समझौता हो गया है। सेठ जी जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है हम एक हैं, वैसे दिलों का मेल तो जाते जाते ही जाएगा। वाह 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 वाह, क्या रंगीन तबीयत पाई है सेठ जी, ये तो आपकी जर्रा नवाजी है, वरना हम जैसों की कदर कौन करता है? हम जैसों की नहीं, तुम जैसों की। ओहो मेरा ख्याल गलत निकला, अभी हम और तुम का फर्क बाकी है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ ये भी निकल जाएगा। अच्छा प्रोग्राम के बारे में क्या फैसला किया? सेठ जी प्रोग्राम तैयार है, ऐसा प्रोग्राम जिसे देखकर छोटा बड़ा जवान बूढ़ा जनाना मर्दाना सब अशश कर उठेंगे, एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, ची फटाक डम डम। ये अंग्रेजी है या हिंदी? सेठ जी जब कभी इनको दौरा पड़ जाता है ये ऊट पटांग बकना शुरू कर देते हैं। तो जरा मैं भी तो सुनूं कि वो किस किस्म का प्रोग्राम है जिसने इसे दीवाना बना दिया है। सेठ जी आजकल महंगाई के जमाने में एक ही चीज सस्ती है, हंसना और हंसाना। फ्री क्लब का पहला उसूल है हंसो और हंसाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खाने दो। हमारा पहला शो इसी किस्म का होगा। वाह वाह वाह, खर्चा कितना आएगा? 25,000।
25। सेठ जी, इससे कम नहीं आएगा? 25,000। क्यों, क्या बहुत ज्यादा है? थोड़ा कम कर देंगे? आप थोड़ा कम कर देने के लिए कह रही हैं? तो सेठ जी ज्यादा कम कर देंगे। आप ही ने तो कहा था सेठ जी की रुपए पैसे की परवाह मत करना। अरे मैं तो इसलिए माथे पर हाथ मारा था कि तुमने इतने लंबे चौड़े प्रोग्राम के लिए सिर्फ 25,000 का बजट बनाया। मैं तो लाख दो लाख के चक्कर में था। अगर 25,000 के फेर में आ गया तो मेरे ढेर के ढेर कब खत्म होंगे? मुझे कब टैन की नींद आएगी? सहज पके सो मीठा होए। सेठ जी, धीरे धीरे आपकी सारी दौलत कला की देवी के चरणों में भेंट कर दी जाएगी। अगर हमारा पहला शो लोगों को पसंद आ गया तो आपके मन की मुराद जरूर पूरी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, वाह वाह, वाह वाह। तुम तन मन से मेरा धन लोगों के हंसने हंसाने में खर्च कर सकते हो। सेठ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिले। मेरे बच्चों जियो, सैकड़ों बरस जियो, हजारों बरस जियो, लाखों बरस जियो। अब मैं चलता हूँ। बोलो सेठ जी की जय। सेठ जी की जय। सेठ जी की जय। हम दोनों की जय। शुक्र है, बोली तो। बोलो जय। जय। एक बार फिर जय। एक बार फिर मुबारक है। राजा साहब, आप हैं श्री नौबत राय जी, अपने जमाने के महान कलाकार, और ये हैं इनकी सुपुत्री आशा देवी, इस जमाने की कलाकार, और आप हैं बिलापुर के जागीरदार राम प्रसाद जी। और इनसे मिलिए, ये हैं मिस्टर किशोर, हंसी खुशी की जीती जागती मिसाल। इनको देखकर ऐसा जान पड़ता है राजा साहेब कि लफ्ज गम किसी दीवाने ने इजाद किया। आ, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुबारक है। शो का वक्त हो गया। हो गया। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आइए। जरूर जरूर। मुबारक। जनाब अली। वाह वाह, मालिक चंद जी, कैसे हैं आप? आइए जागीरदार साहब।